उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाहजहांपुर के रौजा रेलवे मैदान पहुंचेंगे। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिले भर की वो खबरें जो आज की सुर्खियां रही, उसके बाद में आपको दिखाएंगे सभी वो खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल रौजा के रेलवे ग्राउंड में उतरेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। आम पब्लिक नहीं जा सकेगी कार्यक्रम स्थल पर। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे बरेली कमिश्नर आर रमेश और आईजी रमेश शर्मा। युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां। थाना सदर बाजार पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़े स्मैक तस्कर। 80 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद। कई जिलों में कर रहे थे स्मैक की सप्लाई। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पुलिस अधीक्षक ने शुरू की तबादला एक्सप्रेस। आधा दर्जन से ज्यादा थानेदारों के पुलिस स्टेशन बदले गए। नए को भी मिली तैनाती। और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे। पल पल की ले रहे हैं जानकारी। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अठारह दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाहजहांपुर दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाहजहांपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रौजा के रेलवे मैदान पहुंचेंगे। यहां जिले के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रौजा के रेलवे मैदान में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। साथ ही करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। वाई क्षेत्र के निगोही रोड पर बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। हादसे में 47 साल के दामोदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कमलापुर गांव से अपने रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहा था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल चिकित्सालय में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में MBBS के सभी छात्र छात्राओं, तीमारदारों, 108 और 102 एम्बुलेंस के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान सभी को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। शिविर में CMS डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर सरोज और मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी पांडे उपस्थित रहे। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा से अपनी तमाम मांगे भेजी गईं। अनुदेशकों का कहना है कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को नियमित किया जाए। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। थाना सदर बाजार पुलिस और SOG की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक वैगनार कार को भी कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि तस्करों का पूरा नेटवर्क सस्ते दामों पर स्मैक खरीद कर कई जिलों में सप्लाई करने का काम करता था। वहीं आज भी बरेली से स्मैक लेकर पुआएं सप्लाई करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संत राम सिंह चौहान ने क्षेत्र के गांव धीरपुरा, रौलीबोरी, मंझा की मड़ैया, महुआ डांडी और कैथा की मड़ैया में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त सरकारी बस और महिलाओं के लिए 1,000 रुपये पेंशन योजना के बारे में बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर विधानसभा अध्यक्ष अतुल्ला सिद्दीकी ने की। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने भी शिरकत की। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तनवीर खान ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार झूठी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार है, जिसे सत्ता से बेदखल कर अगली बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को रौजा के रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की जनसभा में करीब 2 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे, जिसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सुभाष नगर से रिंग रोड को जाने वाली सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे हैं। गड्ढों की वजह से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि जिस तरीके से महानगर में सड़कों का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में सुभाष नगर से रिंग रोड को जाने वाली सड़क का भी मरम्मतीकरण कराया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में आई बाढ़ के बाद से ये सड़क पूरी तरीके से खराब हो गई थी। कलानगर के राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली को प्रधानाचार्य सियाराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कॉलेज से शुरू होकर नगर के जनता रोड होते हुए वापस कॉलेज पहुंची। जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं ने जागरूकता के स्लोगन लिखे बैनर और तख्तियां हाथों में लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सभी से अपील की कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा है। आज मंडलायुक्त बरेली रेंज आर रमेश और आईजी रमेश शर्मा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त और आईजी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रौजा के रेलवे मैदान में होने जा रहा है। विकासखंड क्षेत्र निगोही के सभी परिषदीय विद्यालयों में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जागरूकता के स्लोगन लिखे बैनर हाथों में लेकर गांव-गांव घूमकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान सभी से अपील की गई अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और अपने मत की कीमत को पहचानें। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला महामंत्री महेंद्र सिंह ने भी गाँव पतराजपुर पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया। परौर पुलिस ने जिलाबदर अपराधी राम रहीस उर्फ रहीस पाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि राम रहीस जिलाबदर की कार्रवाई के बाद से पहचान बदल कर जिले में ही रह रहा था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। राम रहीस परौर थाना क्षेत्र के ककाड़ा गाँव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपी एस आनंद ने करीब आधा दर्जन थानाध्यक्षों के तबादले किए हैं। एसपी ने थाना खुडार, मदनपुर, थाना जेरम और दक्षिणी, मिर्जापुर थाना रौजा, पीआरओ पुलिस अधीक्षक और आईजीआरएस के प्रभारियों के तबादले किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष यूही सिंह कल सायाहपुर पहुंचेंगी। यूही सिंह सबसे पहले थाना सेरामुख दक्षिणी के गांव हरिहर पूर्वा में पहुंचेंगी। उसके बाद निगोही में सपा नेत्री सलोना कुशवाहा के आवास पर करीब 3 बजे एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। शाम 4:30 बजे सिंधौली क्षेत्र के गाँव सिसौरा में भी लोगों से मुलाकात करेंगी। ये जानकारी सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने दी। महानगर के मोहल्ला सुभाष नगर में आज भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान में भाजपा नगर अध्यक्ष चौक मंडल आयुष शंखवार के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान आयुष शंखवार ने लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। आयुष शंखवार का कहना है कि अब तक वो करीब 5,000 लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा चुके हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा।